Yes, sir. क्या चल रहा है आप लोग का? फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स का कैसे चल रहा है? समझ में आ रहा है? फिजिक्स में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। जो कि जेपीएल सर की तबीयत आज वापस से खराब हो गई है, आज कोटा से जयपुर उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। आई थिंक ये टॉपिक तो पूरा सर ही पढ़ाएंगे, और ये जीआरसी सर ही पढ़ाएंगे आप। आज और क्लास थी 2:30 से? हाँ सर थी। कोई खास दिक्कत तो नहीं आई थी फिर से? बिकॉज दोनों सर ऑलमोस्ट सेम ही टाइप से पढ़ाते हैं धीमे धीमे, तो ज्यादा अंतर नहीं पढ़ना चाहिए। सर एवाईडी सर बोल रहे थे कि जेपीएन सर घर आ गए थे। हाँ 15 तारीख को घर आ गए थे, रोज रात को हम लोग का वीडियो कॉल से बात हो रहा था। अभी कल दिन भर फोन नहीं लगा था सर का, तो फिर आज सुबह वापस से लगाए तो मालूम चला कि कल रात में मतलब वहाँ उनको कोटा से तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप जयपुर शिफ्ट करो, तो देन वो लोग फिर जयपुर शिफ्ट हुए इटरनल हॉस्पिटल करके उसमें। ठीक है, तो हम लोग को वही लगा था कि तबीयत अभी सर का ठीक हो जाएगा, हो गया। देखो क्या होता है अभी। ठीक है, आप लोग क्या क्या चल रहा है फिजिक्स में? टॉपिक मतलब क्या चल रहा है? मिरर्स चल रहा है। अच्छा स्फेरिकल मिरर शुरू हो गया सर, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। तब तो बस लेंस बचा और क्या। रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया सर ने? नो सर। नो सर, अभी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है तुम लोग क्या? हाँ। और ठीक है, और होमवर्क होमवर्क सीट पे डिस्कशन का शुरू हो गया नहीं हुआ अभी तक? हाँ सर, कल कर सर एक बार होमवर्क किया था और डिस्कशन हो गया था। बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा उससे ज्यादा मूड भी ऑफ हो गया सुबह से ही, सुबह लेक्चर में था तभी फोन आया था। सर को 3 दिन से फीवर आ रहा था सर, हम लोग से रोज वीडियो कॉल पे बात करते थे, बता ही नहीं रहते फीवर आ रहा है। अपन क्या पढ़ रहे थे? टाइम ग्राफ के क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चंस के फिर से ग्राफ के क्वेश्चन, उससे पहले फंक्शनल एनालिसिस कर रहे थे। अच्छा वो फंक्शन वाले क्वेश्चन की किसमें क्या आपको टूट करना है वो चीज करा दिया? नहीं सर, वो फंक्शन एनालिसिस था सर, लेकिन हमने वॉइस से किया था वो कि अगले दिन क्वेश्चन दिए थे उसमें पूरा टाइम चलेगा। नहीं नहीं एक दिन तो ये ऐसे क्वेश्चन हुए हैं ना, मुझे याद तो आ रहा है कि f of x plus y। हाँ सर, वो उससे पहले हुआ था। हाँ हो चुका है ना वो तो? हाँ सर हो चुका है। हाँ सर, तो पिछली क्लास में एग्जैक्टली हम लोग ग्राफ पे कैसे पहुंच गए थे, मतलब हम तो आगे बढ़ते ग्राफ पे कैसे आ गया अचानक से, क्या हुआ था? बोर्ड पे पहले से क्वेश्चंस थे, बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चंस थे तो उसमें एक मिनट क्या बोल रहे हो? बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चंस थे तो आपने वही करना है। अच्छा वो इंटरसेक्शन वगैरह वाले, याद आया 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ वो बगल में 5 और क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था आप लोग कर लीजिए, खुद से ग्रुप में डाल दीजिए करके आंसर वांसर। आई थिंक एक का तो आंसर डाला था ना किसी ने, नहीं डाला था? वो एक्स माइनस अजीब सा माइनस फ्रैक्शन लेस देन हाफ वो तो डाला था ना बोर्ड पे, तो हो गया ना ठीक है ना, उतना उतनी फील आती है ना जो कराया था अभी तक तो। ठीक है, और फंक्शनल के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए था उस वाले में क्या क्या किया हम लोगों ने? मोनोटोनिसिटी पढ़ा कि फंक्शन बढ़ता है फंक्शन घटता है, फिर हमने फिर रेंज पीरियोडिसिटी को समझा सर थोड़ा। रेंज तो छोड़ो, रेंज तो मतलब नहीं किया, साथ में और क्या था सर? हमने ऑन टू इनटू किया है ना, बीट वाइज और पीस वाइज प्रेडिक्शन। हाँ वहां पे थे, ऑन टू इनटू किया था है ना?
फिर ये भी किया था मेरे को लग रहा है, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन दिया था है ना, और तो पीरियोडिसिटी के बारे में बताया, वन वन मिनिमम बताया, ऑन टू इन टू बताया और मोनोटोनोसिटी बताया है ना. ये तीन चार चीजें बताई थोड़ा बहुत है ना. ठीक है तो दो और चीजें अपन पढ़ के फिर प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते चीज को. एक होता है इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन. ठीक है तो देखो डेफिनेशन क्या होती है ना इवन फंक्शन की, वापस से डेफिनेशन की ही बात करेंगे. इवन फंक्शन इज समथिंग की जो अगर फंक्शन है, ठीक है फंक्शन अगर डिफाइन फॉर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन की ऑब्वियसली डोमेन से लेके बी में, जहां पे बी क्या है उसका कोडोमेन है. तो देखो इवन फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन इज इवन इफ x belongs to domain, then minus x belongs to domain b, f of x is equals to f of minus x. ये होता है इवन फंक्शन. तो आपको ग्राफिकली समझ में आ रहा है क्या होगा इसका सेंस, इसका ग्राफिकल सेंस क्या होगा बताओ. इसका ग्राफिकल सेंस क्या होगा, इसका ग्राफिकल सेंस क्या होगा बताओ. इनपुट आउटपुट में बता नहीं रहा है, बताओ. y एक्सिस के अबाउट सेम ग्राफ कैसे बताओ, सेंस बताओ, सेंस हाउ सेंस. सही है सही है सही बोल रही है, मतलब कैसे सेम आउटपुट है. हाँ ग्राफिकल सेंस y-axis के अबाउट, y-axis के अबाउट क्या होगा, मिरर इमेज सिमेट्री, या आप बोल सकते हो y-axis के अबाउट क्या होगा, क्या होगा बोलो, मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज. ये बात चमकती है कैसे, yes. जो वन पे आउटपुट है वही जो थ्री बाई टू पे आउटपुट है वही माइनस थ्री बाई टू, जो माइनस थ्री बाई टू पे आउटपुट है वही थ्री बाई टू पे. ठीक है ऑड फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज ऑड. देखो ये तो दोनों ही में ट्रू होगा कि इवन ऑड फंक्शन इज ऑड इफ, इसको हटा ही दो ना जरूरत नहीं है, वेयर एक्स एंड माइनस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन. इफ एफ ऑफ एक्स if f of minus x is equals to minus f of x for all x comma minus x belongs to domain. जरा इसको समझने का we will try what is happening here. ठीक है इसमें क्या समझ में आ रहा है बताओ, let's try to have a feel. मतलब इसका graphical sense why नहीं, इसका ग्राफिकल से और इसका कोऑर्डिनेट, इसका ग्राफिकल सेंस में आप ये बात समझे थे. इसका ग्राफिकल सेंस में एक और चीज थी, आप ध्यान नहीं दिए, लिखा नहीं मैंने इसलिए.
कि अगर इफ ए कमा बी लाइज ऑन ग्राफ देन देन बोलो देन माइनस ए कमा बी विल लाइज ऑन ग्राफ लाइज ऑन ग्राफ. यहां तक क्लियर है? तो इसका ग्राफिकल सेंस क्या होगा बताओ, कि अगर बोलो अगर ए कमा बी लाइज ऑन ग्राफ बोलो माइनस ए कमा माइनस बी लाइज ऑन ग्राफ. ये बात चमकती है क्या? यस सर. ये बात समझ में आती है? यस सर. यस सर. डेफिनेशन से देखो ना, डेफिनेशन से तो वन, अगर एक फंक्शन ऑड है उसका वन पे आउटपुट थ्री है तो माइनस वन पे आउटपुट क्या होगा? माइनस थ्री. ये बात समझ में आती है? तो मतलब अगर ये जो फंक्शन होगा तुम्हारा, कैन यू थिंक लाइक दिस, कि अगर ये फंक्शन होगा तो अगर इस फंक्शन पे एक पॉइंट अगर ए कॉमा बी है तो दूसरा पॉइंट जो पी प्राइम होगा वो क्या होगा? माइनस ए कॉमा माइनस बी. ग्राफ चाहे कैसा भी हो तो इन दोनों P और P डैस का मिड पॉइंट क्या है? ओरिजिन. P और P डैस का मिड पॉइंट क्या है? 0.0. दिस इज सेड टू बी, बाद में वापस से जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे इस ढंग से, अभी फिलहाल लिख रहा हूं मैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन. दिस फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये बात चमकती है? यस सर. तो ऑड फंक्शन जो होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन. ये बात चमकती है? सो इफ जीरो इज इन डोमेन ऑफ एफ एक्स देन एफ ऑफ जीरो क्या होगा बताओ? जीरो. कैसे? सर उनका मिड पॉइंट यहां से भी सोच सकते हो ना, है ना? अगर एक्स को डाल लेंगे जीरो तो क्या होगा? अगर x को डाल देंगे जीरो यहाँ पर तो क्या होगा बताओ? f ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस. अरे भाई बताओ, यहाँ तक ये बात समझ में आती है? यस. यहाँ तक ये बात समझ में आती है क्या सभी को? यस सर. यस सर. यहाँ तक क्लियर है विदुषी? यस सर. बाकी लोग, सभी लोगों क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई हाँ या ना. यस सर. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर. नो सर. पक्का? यस सर. यस सर. कॉपी करो, कॉपी करो.
कॉपी कर लिए? अरे एक मिनट, सर। हाँ बोलो सर, वो वाला पार्ट एक बार फिर से समझाइए ना। कौन सा? ए कॉमा बी लाइज ऑन ग्राफ देन माइनस ए कॉमा माइनस बी, नीचे वाला। डेफिनेशन से देखो ना, डेफिनेशन से डेफिनेशन देखो कि जो ए पे आउटपुट आया था और माइनस ए पे आउटपुट कैसे रिलेट हुआ। देखो एफ अगर ए पे आउटपुट बी है तो माइनस ए पे आउटपुट क्या आना पड़ेगा? अरे भाई हेलो, ए पे अगर आउटपुट बी है तो एफ ऑफ माइनस ए क्या होगा अगर ऑड फंक्शन है तो? माइनस। समझा? हाँ सर। सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है। नाउ जो चीज आपको थोड़ी सी तंग करती है उस पार्ट पे आते हैं। फाइन, तंग इन द सेंस थोड़ा सा दिक्कत आता है बिकॉज वो टॉपिक आगे का है लेकिन करना पहले पड़ता है। रेंज, वी विल कम बैक टू द टॉपिक रेंज। ठीक है, रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ इलेवेंथ में किए थे, कुछ ट्वेल्थ में करेंगे। ग्राफ से निकाला जा सकता है, एल्जेब्रिकल मेथड हो सकता है रेंज का निकालने का। फाइन, यहां तक क्लियर है? यस। ठीक है, सो वी विल ट्राई कि मैक्सिमम टाइम रेंज जो है ग्राफिकली निकाल पाए, बट फंसोगे उसमें तुम बिकॉज जैसे I will explain to you that part. मैं तुम्हें पहले उसको ही करा दूं फिर। ठीक है, मैं कुछ करा रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन सबको आता है। डिफरेंशिएशन सब, डिफरेंशिएशन सभी लोग को आता है ना, बेसिक डिफरेंशिएशन? यस सर। यस, ज्यादा ज्यादा नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। यस सर। Anybody with any problem in differentiation, basic differentiation? Bolo? Hello? हाँ sir। हाँ sir। सभी को basic differentiation आती है कि नहीं आती है? आता है sir। मैं दो मिनट सोचने दो कि तुम लोग को ऐसे कराएं कि
कब जरूरत पड़ेगी वो तो डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ती है, जब एक फंक्शन घटता है एक फंक्शन बढ़ता है, आई कैन टोटली अवॉइड दैट, लेकिन फिर अलजेब्रिकली बहुत ज्यादा किचपिच मच जाती है, फिर जो ज्यादा समझ नहीं पाते हैं वो फिर गिव अप मार देते हैं कि कैसे रेंज निकालेंगे, और दैट इज अदर प्रॉब्लम। जरूरत कहाँ पड़ेगी डिफरेंशिएशन की, क्यूबिक की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्यूबिक को डिफरेंशिएट किया फिर तुम कहोगे ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स मैं बोल दूंगा डिफरेंशिएबल एंड ऑल, ठीक है, तो वो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, वी विल ट्राई कि जब तक अवॉइड कर सके अवॉइड करें, बट स्टिल वी विल डू दैट, ठीक है। यूज ऑफ, बिना इसके भी कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती मैं नहीं कराता पहले यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, बट ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्या होगा कि बहुत लोग लास्ट में एक्सपीरियंस करता है कि लोग गिव अप मार देते हैं इतना आधा अल्जेब्रिकल देख के, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बन जाता है जल्दी तो अच्छा लगता है। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन प्रिडिक्टिंग मोनोटोनिसिटी, ठीक है। आप ये मान लो कि मैं ऐसे थोड़ा आएगा करा रहा हूं, ठीक है, और मैं ये ज़ूम कर रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तो अच्छा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका कैसे समझाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका क्या मतलब होता है, स्लोप इंक्रीज। हाँ, आपको आपको जो फिजिक्स में आता है आप वो बताओ, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये बात समझ में आती है। यस सर, यस सर, स्लोप इंक्रीज कर रहा है किसका स्लोप, जो ग्राफ, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, किसका स्लोप बोल रहे हो, वाई वर्सेस एक्स, y versus x, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ व्हाट, f of x, f of x का स्लोप क्या होता है, y versus x, ना डिवाइड बाय ds क्या होता है, स्लोप होता है एक पॉइंट पे पर्टिकुलर, किसका किसका, tan theta, tan theta, tan theta, अरे हाँ भाई होता है tan theta, किसका स्लोप होता है, f x, कर्व का स्लोप थोड़ी ना होता है, कोई बच्चा नहीं है किसको फिजिक्स नहीं आती यहाँ पे, अच्छे से पॉइंट पे टेंजेंट हुआ तो उसका स्लोप, हाँ हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, विदुषी समझ में आ रहा है तुम थोड़ा बहुत, हाँ सर थोड़ा बहुत समझ आ रहा, क्या दुखी क्यों, डांट सुनी क्या घर में भी आज, नहीं फिर ऐसा दुखी क्यों बोल रही है, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ, नहीं समझ आ रहा है मुझे, लग तो नहीं लग रहा है, रो रही है, डट क्या हो गया है, एफ डैश एक्स तेरे को निकालने आता है, डिफरेंशिएशन करने आता है, तेरे को नहीं आता है थोड़ा बहुत, हाँ डिफरेंशिएशन करना आता है, लेकिन इसमें f dash x greater than zero कैसे हुआ? ठीक है, देखो सुनो, ये ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है, yes, yes. तो इस ग्राफ में आपको कुछ दिख रहा है, कहीं से कहीं कुछ कुछ बढ़, आपको बढ़ने की फील तो आती होगी ना, मेरे साथ पढ़ने के बाद बढ़ने की फील आ रही है, नहीं आ रही है, स्टार्टिंग से पीक तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, एफ डैश एक्स क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप होता है, ये मालूम है, हाँ
मालूम चल गया अभी? हाँ इसके पहले नहीं मालूम था? नहीं। ओके ठीक है। फाइन गलती चीज होगी क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। ठीक है तो किसी भी पॉइंट पे जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। ठीक है तेरन मैं इसके बिना पढ़ा सकता हूँ, मैं इसके बिना पढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो लेट्स गो टू रेंज। ठीक है अभी रेंज में जो रेंज और मोनोटोनोसिटी का यूज तो होता है रेंज में, यू विल यूज दैट जितना यूज कर सकते हैं। देखो रेंज, नाउ आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि रेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है लेट द फंक्शन बी डिफाइंड इन ए से बी। क्या मतलब हुआ जब डिफाइंड इन ए से बी बोला, इसका क्या मतलब हुआ? डोमेन ए, डोमेन क्या है उसका? डोमेन ए है, को डोमेन बी। नहीं भाई क्या बोल रहे हो, इन ए से बी, ए से बी तक डोमेन है, डोमेन ए बी इंक्लूडेड नहीं है। क्या बोल रहे हो भाई? इनपुट मतलब मैंने, अरे नोटिस क्या बोल रहे हो तुम, ये तुमको ये इंटरवल समझ में नहीं आता है? इंटरवल 2 से 3। यस लेट द फंक्शन बी डिफाइंड इन इंटरवल ए से बी, ये समझ में नहीं आता है? आता है सर। फिर क्या बकवास चल रही है? लेट द फंक्शन बी डिफाइंड इन द इंटरवल ए से बी, देन the range is range तो थोड़ा बहुत पढ़ाया था ना 11th में quadratic में, range क्या होगा बताओ? 0 से a से b तक। नहीं नहीं range क्या होगा? What is the definition of range? मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए से मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ। लेट द फंक्शन एफ एक्स हैव अ लोवेस्ट वैल्यू एम। द रेंज की डेफिनेशन मालूम है ना, रेंज क्या होता है? हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एम, तो रेंज क्या होगा? अरे भाई रेंज नहीं मालूम है, मिनिमम से मैक्सिमम मालूम है। तो जो लोग ये बोल रहे थे एफ ऑफ ए से बी, वो तो एक्चुअली बकवास कर रहे थे ना यार। यहाँ बताओ फंक्शन की रेंज क्या होगी इस ग्राफ में? अगर ये ए है और ये बी है तो फंक्शन की रेंज क्या होगी? लोएस्ट पीक से हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक से हाईएस्ट पीक। तो ये अगर एम है और ये वाला अगर छोटा एम है तो रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब मालूम है ना भाई? रेंज का मतलब नहीं मालूम है, रेंज का मतलब क्या होता है? द लोएस्ट वैल्यू अचीव बाई फंक्शन से लोवेस्ट वैल्यू अचीव बाई द फंक्शन से हाईएस्ट वैल्यू अचीव बाई द फंक्शन, ये नहीं मालूम है? मालूम है। मैं बहुत शौक हो गया, मैं तो आप लोगों को मालूम ही नहीं था, आप लोग कुछ भी बोल रहे थे, रेंज एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, फिर कोई बच्चा जीरो बोल रहा है रेंज, पता नहीं क्या बोल रहे थे।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए से बी सच दैट इट इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ वो कर रहा है। देन अब आप रेंज क्या बोल सकते हो? देन द रेंज इज एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। कब? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी कब? जब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए कब? डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहां तक समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा। अगर फंक्शन ए से बी में बढ़ रहा है तो इसकी रेंज में कोई कंफ्यूजन है क्या? हमें नहीं है कंफ्यूजन? नहीं है सर। रेंज क्या होगी सीधी? यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों हो गई थी हम लोगों को? कभी कभी बढ़ रहा है, कभी कभी घट। हाँ, तो कभी कभी बढ़ रहा है, कभी कभी घट रहा है, तो हम लोग क्या मालूम नहीं चल पा रहा था? डायरेक्ट रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं मालूम चल पा रहा था ना। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यस सर। ये बात समझ में आती है क्या? Now, this is very, very important thing, जो आपको समझना पड़ेगा। जो 11th में हम लोग जब क्वाड्रेटिक का रेंज निकालते थे तो दिक्कतें आती थी निकालने में, ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अगर फंक्शन ए से बी में मोनोटोनिक है तो उसका रेंज सीधा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चलेगा, क्लियर है? और जब मोनोटोनिक नहीं है तो हम सीधा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी लिख सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर। ये बात समझ में आती है? यस। एक बात और ध्यान रखना, दोनों में मैं लिख रहा हूं इन द इंटरवल या ऑन द इंटरवल। इसका मतलब क्या है? ए से बी में फंक्शन, ए से बी का जो इंटरवल है वो फंक्शन के डोमेन में है, है ना? अगर मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहां तक संभवी क्लास में है क्या बेटा? यस सर हूं। ठीक है, मान लो कि यहां से ये मैंने ग्राफ बना दिया, तो ये तो फंक्शन मोनोटोनिक है, तो आप क्या रेंज बोल दो? आप रेंज बोल सकते हो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी? नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते सर। क्यों क्यों क्यों? बीच में ब्रेक कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर बीच में प्रॉब्लम आ गई ना? यस सर, ब्रेक। अरे ये बात क्लियर है, इसलिए वी विल वर्ड यूज सर। यहाँ पे एक और वर्ड डालता हूँ, सच दैट देयर इज नो ब्रेक। क्या? नो ब्रेक इन ग्राफ। किसके? एफ एक्स के। ये बात चमकती है? और ये सेम लाइन यहां पर भी आएगा, इसमें अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज यहां पर हमने मैक्सिमम से मिनिमम लिख दिया, अंतर नहीं पड़ता। बट यहां पर हमें ये लाइन जरूरत पड़ेगी कि ग्राफ में ब्रेक नहीं हो। अरे ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? मुझे ये बताओ सोच के, ये जो ग्राफ बनाया मैं, ये इंक्रीजिंग है कि नहीं इंक्रीजिंग है डेफिनेशन से? फंक्शन की डेफिनेशन से चेक करो ना। डेफिनेशन लिखवाया था ना मैंने, क्या था डेफिनेशन इंक्रीजिंग का? हर बड़े वाले इनपुट पे आउटपुट क्या होगा? बड़ा होना चाहिए, यही था डेफिनेशन?
ये डेफिनेशन ट्रू है कि नहीं ट्रू है? ट्रू है सर, ट्रू है। तो क्या इस, लेकिन इस केस में रेंज क्या एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी होगी? नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा रेंज। क्यों नहीं होगा रेंज? बीच में ब्रेक हो रहेगा, बीच में ब्रेक हो रहा है, ये बात चमकती है। यस सर, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस, हाँ सर, यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल है? विदुषी क्लियर है यहाँ तक तो? हाँ सर। सर पहले वाले ग्राफ में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा ब्रेक होने से? वो मैंने मान लिया, मैंने ग्राफ ही ऐसा बना के दिया है ना। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहाँ भी ब्रेक कर दीजिए तो बीच वैल्यू गायब हो जाएगी? हाँ, तो उसमें कैसा है ना, उसमें कैसा है कि मैं एज अ होल जब भी एक काम करते हैं उसमें आई एग्री, उसमें अब उसमें एक और चीज आ जाएगी, नहीं रेज्यूस करेंगे उसको भी। हम एक काम करते हैं कि ए से बी में हम नो ब्रेक मान के चल रहे हैं, ठीक है? हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि ए से बी में ग्राफ में नो ब्रेक है, नो ब्रेक इन ग्राफ, ठीक है? अब क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि मतलब यहाँ ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है, कहीं पे वैल्यू आ गई नहीं आई, वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं जब भी फंक्शन ए से बी इंटरवल डिफाइन किया हुआ है तो बीच के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहीं भी ग्राफ में ब्रेक नहीं हो रहा। आप रेंज को ग्राफिकली देखो ना, ग्राफिकली ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप ग्राफिकली देखोगे ना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। जो 10 क्लास से ग्राफ कर रहे हैं, 10 से 12 क्लास से, उसका आपको फील तभी आएगा जब आप रेंज अप्लाई कर पाओगे अच्छे से। ये बात चमकती है? Yes. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से आप एक चीज समझे कि अगर x तुम्हारा ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारा x अगर a से b के बीच में है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स f of a से f of b रह गया ना, है ना? और जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी क्या हो गई है? रिवर्स उल्टा हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? यस। याद है लॉग का ग्राफ, लॉग का जब बेस वन से बड़ा था, हमने जब रेंज, हमने जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तो बेस वन से बड़ा में क्या बोलते थे? इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम सेम। जब बेस वन से छोटा था हम लोग क्या बोलते थे? इनइक्वालिटी रिवर्स। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर आप थोड़ा पीछे हो सकते हैं?
हो गया सर। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes. सर हाँ बोलो सर। सर ब्रेक होने पर वेरिएशन क्यों आता है? वो बीच की वैल्यू गायब हो गई ना। यहाँ पर तुम रेंज एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी लिखोगी, हमारे बीच की वैल्यू जो थी गायब हो गई ना, इतनी वैल्यू तो। हाँ हाँ समझा नहीं समझा? हाँ सर समझा। अरे क्या हो गया? इतना जो बीच का वैल्यू है तुम्हारा, ये तो गायब हो गया ना रेंज में से। एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के इंटरवल में ये चमक रहा है। एफ ऑफ ए कहाँ पे है? एफ ऑफ ए ये है, एफ ऑफ बी यहाँ पर है। तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी रेंज थोड़ी ना बोल पाओगी। बीच का ये जो पोर्शन है ये कहाँ चला गया? तो बर्मा चला गया ना। ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अरे भाई सब लोगों को क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। विदुषी क्लियर है बेटा यहाँ पे? हाँ सर। हाँ क्या कहते, दुखी क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? हाँ सर सब ठीक है। तेरी आवाज नहीं लग रहा है। मेरी आवाज ऐसी है? नहीं तेरी आवाज ऐसी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो रेंज का अभी 11th में हम लोगों ने क्या क्या रेंज पढ़ा था एक बार उसको वापस से रिवाइज करेंगे। मैं जो रेंज का मेथड फॉलो करता हूं दैट इज द बिल्डअप मेथड। मैं फॉलो करता हूं बिल्डअप मेथड। अब उसके पहले हमें दो जानकारियां और चाहिए होंगी कि एफएक्स और जीएक्स। ठीक है, मैं एक सिंबल यूज करता हूं हमेशा इंक्रीजिंग के लिए। मैं इंक्रीजिंग के लिए सिंबल ये यूज करता हूँ। ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, बोर्ड में यूज नहीं कर सकते, जीरो मार्क्स मिलेगा। डिक्रीजिंग के लिए ये है, एसएमडी के लिए ये है और एसएमआई के लिए ये है। इतना क्लियर है सिंबल्स? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर एफ इंक्रीजिंग है, मैं ए से बी के इंटरवल में बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एक्सेप्शन कि सर उसमें ये गायब हो गया वो गायब हो गया, सब कुछ दुनिया अच्छी है, एवरीथिंग इज वेल एंड फाइन। एफ अगर इंक्रीजिंग है, जी अगर इंक्रीजिंग है, तो मुझे बताओ कॉमन सेंस से सोच के बेटा एफ प्लस जी के बारे में क्या बोल सकते हो? इंक्रीजिंग होगा सर। इसमें किसी को कोई भी हल्का सा भी शक है क्या? क्लियर है ये? अगर एफ बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है, दोनों को एड करोगे ए से बी में, दोनों बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। हाउ टू प्रूव दिस? कैन यू प्रूव दिस फॉर मी? हाउ विल यू प्रूव दिस? इनपुट आउटपुट चेक। हाँ कैसे करते हैं प्रूफ? एच एक्स को मान लेंगे, क्या मान लेंगे एच एक्स को? बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है ना। नाउ डेफिनेशन क्या है? और एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू क्या होना चाहिए? H of x1 should be, come on guys, H of x1 should be, हम increasing decreasing की बात कर रहे हैं, increasing की और decreasing की, ठीक है? तो अब मुझे बताओ H of x1 क्या होगा? बोलो F of x1 plus G of x1। H of x2 क्या होगा? F of x2 plus G of x2। एफ ऑफ एक्स वन जो है एफ ऑफ एक्स टू से बड़ा है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्यों क्यों? दिया हुआ है एक्स वन। अबे दिया हुआ है, है ना? सर। वो दिया हुआ है इसलिए। जी ऑफ एक्स वन बड़ा है क्या जी ऑफ एक्स टू से? एक्स टू से। ये दिया हुआ है ना? दोनों को ऐड करोगे तो क्या मालूम चलेगा? बोलो एच ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ।
एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू जो है बड़ा है किससे, एफ ऑफ एक्स टू प्लस जी ऑफ एक्स टू से बड़ा है। हाँ भाई बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं सबका प्रूफ थोड़ी ना करूंगा फिर, ठीक है? ये एक ऐसे साइड में प्रूफ लिख दिया आपको, क्लियर है ना प्रूफ तो लॉजिक से, बेसिक से। तो अगर एफ बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है, तो एफ प्लस जी क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, एफ घट रहा, सॉरी वापस एफ को लिखूंगा, लिखना ही पड़ेगा ना वापस एक का प्रूफ किया तो। ठीक है सर। हाँ बोलो सर, लास्ट के दो लाइन कैसे लिखे? एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया है ना, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ सर समझा, नोट्स तो पढ़ के आना पड़ेगा ना बेटा सर, फर्स्ट लाइन मैंने देखी। तो वापस से बनाते हैं टेबल, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इधर चलो जगह है नहीं, जगह है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, क्या कर रहे हो तुम, माइनस एफ ऑफ एक्स, एक मिनट रुक जाओ यार, है ना ज्यादा चीज डिलीवर करने के चक्कर में ना गड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कौन लिखेगा मेरे भाई, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एलजेब्रा ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक है जगह ही नहीं है, लिखू कैसे मैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ इंटू जी एफ बाई जी, ये चमकता है ना, एफ इंटू जी का मतलब क्या है? Yes. क्या मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, सॉरी हाँ ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो सोचो एक मिनट क्या होगा, क्या होगा बोलो, हाँ भाई बोलो, एफ एफ क्या होगा बोलो, एफ प्लस सी क्या होगा? इंक्रीजिंग। एफ माइ, अच्छा एक और चीज यहाँ पर कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग। और अरे ग्राफ सीधा आंखों के अंदर ग्राफ लाओ, और ये डिक्रीजिंग है तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग। ये बात चमकती है? Yes. तो अब यहाँ बताओ फिर, ये इंक्रीजिंग हो गया, अगर ये बढ़ रहा है ये घट रहा है तो कुछ कमेंट कर सकते हो? नहीं बता। अरे कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, बढ़ भी सकता है घट भी, हमें नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? f of x greater than g of x। नहीं 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 नहीं, we will not make so many cases, डायरेक्टली बात करनी है, जो दिख रहा है उसकी बात करेंगे, नो कमेंट। यहाँ बताओ, यहाँ पे डिक्रीजिंग, ये बात चमकती है? इधर बताओ, इंक्रीजिंग, व्हाट? नो कमेंट। आप क्यों सोच रहे हो, आप माइनस क्यों सोच रहे हो, माइनस नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैथ्स में, माइनस इज व्हाट,
प्लस ऑफ माइनस, ये बात चमकती है तो आप कमेंट कर सकते हो क्या इस पे? आई थिंक वी विल हैव टू डील विद एग्जांपल्स देन. आप ये कॉपी करना, ये टेबल बहुत कॉपी करना, पहले मैं लिख देता हूँ, देन आई विल गिव यू एग्जांपल्स. बोलो क्या होगा? नो कमेंट. नो कमेंट. इस वाले में क्या होगा? इंक्रीजिंग. इस वाले में इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. इस वाले में नो कमेंट. नो कमेंट. ठीक है. यस सर. इस वाले में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या एफ इंटू जी पे? पहले वाले के लिए इंक्रीज. हाउ? हाउ कैन यू सो से सो? आई डोंट थिंक डाउट ने मुझे डाउट. कैसे कह सकते हो तुम? तुम दो हो, तुमको ये कैसे मालूम है कि दोनों पॉजिटिव है? इनइक्वालिटी रिवर्स हो सकती है ना, अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो जाए तो. अरे हेलो. यस. अरे तुम दोनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो? इनइक्वालिटी की मल्टीप्लाई होती है क्या? नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. नो कमेंट से भर दो. नहीं समझ में आया? आया सर. कॉपी करो. यहां तक क्लियर है सभी को? विदुषी क्लियर है बेटा? हाँ सर. हो गया सर.
कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। सब लोग कॉपी कर लिए यहाँ तक? हाँ सर। रब करे? यस यस सर। नेक्स्ट वाला टेस्ट का लेवल कैसा चाहिए? वैसे तूफानी थोड़ा सिंपल करें इस बार, क्या चाहिए बोलो? टेस्ट में आता है। कौन सा टेस्ट में आता है? मतलब असली एग्जाम रख दो वैसा। हाँ बोलो बोलो। असली एग्जाम में जैसा आता है वैसा। अब असली एग्जाम में तो 35% लोगों के मार्क्स नहीं आते भाई। अच्छे अच्छे लोग क्या बोल रहे हो? अब मैं सोच रहा हूँ 30-35% ऐसा रखते कि सिंपल रहे, ठीक है, और बाकी को मीडियम थोड़ा ऐसा डिवाइड करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब आपको पढ़ने के बाद लगे कि मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए एग्जाम के बाद। रब करें इसको। रब करूं इसमें? इसमें किसी को सबके आंखों के सामने ग्राफ दिख रहा है क्या अच्छे से? यस सर। हां सर। यस सर। ठीक है, सो नाउ वी विल गो फॉर हमारा रेंज जो भी 11th में रेंजेस पढ़े थे। ठीक है, हमने 11th में जो भी रेंजेस पढ़े थे, ऑल द मेथड्स व्हिच वी आई थिंक हम लोगों ने 11th में कौन-कौन से रेंज पढ़े थे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर का भी बात, लीनियर बाय लीनियर है ना? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री में भी रेंज में था, ये बात चमक रही है? यस सर। तो आई थिंक इतना मुझे याद था रेंज, तो मैं काफी डिटेल में चला गया था आपकी बैटरी तो। ठीक है, एक बार वापस अपन देखते हैं रेंजेस में, और वी विल कीप इन माइंड दीज बेसिक थिंग्स, मोनोटोनोसिटी और थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो लोग 11th में बोलते, देखो अगर मैं साइनस की रेंज कहूं 0 से π, तो क्या साइन 0 से sin π हो जाएगा आंसर? नहीं होगा। नहीं। क्यों नहीं होगा? हाँ मतलब अभी जो हमने पढ़ा 12th में उसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं? मिनिमम मोनोटोनिक नहीं है ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोनोटोनिक नहीं है। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विथ बेसिक्स, क्वाड्रेटिक रेंजेस। फाइन, नाउ क्वाड्रेटिक रेंजेस में आप सिंपल सबको आता है उम्मीद करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 से या -3 से 2, रेंज निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले वर्टेक्स निकालते हैं। दो तरीके थे ना हमारे पास, ग्राफ वाला तरीका भी था और बिल्डअप भी था, दोनों से किया था? नहीं किया था। हाँ सर। अरे हेलो, किया था ना। एक तरीका क्या होता था? क्या वर्टेक्स निकाल लेते? मैंने दोनों से किया था, मैंने मुझे याद आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर से तो किया ही था। हाँ सर। ये बनाने परफेक्ट स्क्वायर है ना? यस सर। अभी बिल्डअप करते थे हम लोग, एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है बताओ? -3 से 2, तो एक्स प्लस 3/2 कहां से कहां लाई कर रहा है? -3 प्लस 3/2, -3/2 से, बोलो सर। तो बोल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? -3/2 से 7/2, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी आपको समझ में आया स्क्वायर करने पे? तुम लोग 11 में गलती करते थे कई बार शुरू में कि 9/4 से 49/4 क्यों गलत था, क्योंकि x स्क्वायर फंक्शन कैसा होता है?
y is equals to x square function कैसा होता है? Square function ऐसा होता है ना, ये monotonic है, ये monotonic है क्या? नहीं नहीं है सर, नहीं है ना, ये बात समझ में आती है? तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा सोचते थे ना फिर वैल्यू को, तो ये कहां से कहां जाता था? बोलो, जीरो से 49/4 है ना, अभी माइनस 5/4 डाल दिया इसमें, तो क्या आ गया हमारा वाई, कहां से कहां आ गया? 49/5/4 44 11, ये क्लियर है मेथड? यस सर, यस सर, यस सर। ये एक तरीका था, दूसरा तरीका क्या था आपका? अब बताओ, हम लोग वर्टेक्स क्यों ढूंढते थे यार? अब बताओ, जो 12th में पढ़ाया उससे बताओ, व्हाई डू वी यूज फाइंड फॉर वर्टेक्स? मिनिमा किस नहीं करते थे बेटा हम? अरे मिनिमा इसमें क्या है, हो सकता है मिनिमा लाई नहीं कर रहा है इसमें? हम लोग क्यों ढूंढते थे वर्टेक्स? क्योंकि वर्टेक्स के एक साइड क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन द डिस्क्रीट। और मैं वर्टेक्स को ढूंढते थे, यस सर, -3/2, 0 वर्टेक्स है, कितनी वैल्यू है -3/2 पर डालो, -3/2 पे स्क्वायर से क्या हुआ, क्या तो -3/2, -3/2 ये परफेक्ट स्क्वायर से तो पता क्या बोले सर, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम सर? ऊपर आपने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया उससे लिखती है, उससे वर्टेक्स डायरेक्ट बना सकते हैं ना? हाँ, हम क्यों निकाले, हम तो यहाँ से कर रहे हैं, हम देख ही रहे, तो बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो लोग यहाँ से वर्टेक्स ढूंढ लेते हैं ना, -b/2 है और -d/4 है ना, ये पॉइंट कितना आ गया, -b/2 कॉमा बोलो -5/4, अरे चमकता है, यस सर, यस सर। अभी आपका एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है? -3/2, तो -3 पे वैल्यू कितनी है और 2 कहाँ होगा? -3 पे वैल्यू कितनी है बताओ? 1। -3 पे 1 है, 4 है, 1 है, 1 है यार, 1 है सर, -3 पे 1 है यार, ठीक है, तो और 2 पे कितना आउटपुट है? 11। 2 पे आउटपुट इज 11, चमकता है। तो अभी हमारे पास फंक्शन का जो ग्राफ हमको चाहिए रेंज देखने के लिए, यही ग्राफ चाहिए ना, बोलो है कि नहीं? हां सर, हां सर, तुम समझे आंसर f ऑफ -3 से f ऑफ 2 क्यों नहीं बोल पाते थे हम लोग? हां सर, हां सर, क्योंकि फंक्शन -3 से 2 में नॉन मोनोटोनिक नहीं था, इट वाज नॉट द मोनोटोनिक। एनीवेज, तो यहाँ पर इस शेडिंग रीजन में मिनिमम वैल्यू क्या है? -5/4। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 11। ये दो तरीके थे रेंज निकालने के, ये बात चमकती है क्या? यस सर, यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर, रेंज निकालने का तरीका ये? ठीक है, हाँ सर। मैं जितने भी टाइप्स थे मैं सबका एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ 11th वालों में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है, अरे हेलो, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। सबने अच्छे से कॉपी कर लिया? डाउट है किसी को पूछो, यहाँ पे डाउट है किसी को भी, आकांक्षा, सबको क्लियर है? यस सर। रब करें इसको। हाँ सर। व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, मैं तुमको जो 11th में पढ़ाया था उसके हर रेंज का, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं। बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है आप पूछ सकते हो, ठीक है? नोट से चेक करके बनाओ, मैं चाहता हूं ये आपको याद हो जाए वापस से जो जैसे किया था। ठीक है ना, बाकी खुद सोचना चाहिए लोग।
सर 12th क्वेश्चन में 5 cos square x लिखा है ना? हाँ तुम लोग की क्लास है क्या अभी शाम को? है सर। छह बजे क्लास है। छह बजे क्लास है। कितने बजे तक है? 7:30 7:30 तक है। ठीक है ठीक है। कल क्लास है क्या सर? कल सुबह को है। सुबह सुबह को है? दोपहर को भी है सर। EPCP 1 को तो बस केमिस्ट्री है कल। EYD सर दोपहर को भी लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। हाँ सर EYD सर ने बोला था। कौन से बैच की बात हो रही है ये? EPCP 1। EPCP 2 का भी है। EPC का नहीं है सर। बस 8 to 9 केमिस्ट्री है। उसके 8 to 9:30 तक केमिस्ट्री, उसके बाद कुछ नहीं है सर। बताएंगे इसका मतलब ऐसा नहीं है ना, हमारा मर चलता है ना PCP 2 के साथ तो। यस यस ठीक है। एनीवे जो भी है मैं कल शाम को रखूंगा क्लास। 6:30 में मीटिंग है। 7:08 PM पे सर सर्कल्स का अपन बोल। अच्छा 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 तो फिर तो क्लास तो है ही है, प्रॉपर क्लास हो गया फिर। ठीक है हाँ तो चलो फिर तो प्रॉपर हो गया, फिर तो सही है, मजा आ गया। 8 PM से 10 PM सर्कल का एक्सरसाइज 1 और ये 13 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में कराए हुए हैं ठीक है। आपको बस खोजना है और याद क्या रखना है फिलहाल आपका सिलेबस। आपका सिलेबस क्या होता है? क्वाड्रेटिक होती है। ये बात चमकती है। क्वेश्चन कॉपी कर ली सबने? कर रहे हो? कर रहे सर। कर लो नोट्स में खोज खोज के ले आओ कहाँ कहाँ पे। कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। ठीक है ये क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं बड़ी बात नहीं है। आप नोट्स में 11 क्वेश्चन कॉपी कर लो, अपने नोट्स खोजना, ट्राई टू थिंक नोट्स में कहाँ पे क्या मिलेगा ठीक है। जो जो नहीं मिलता है उसको हम लोग कल भर देंगे उस जगह को। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है चलो।